स्ट्रिंग लाइब्रेरी में अब हम एक नेक्स्ट मेथड सीखने वाले हैं, उसका नाम है सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग मेथड वन पैरामीटराइज एक वर्जन हमारे पास है और दूसरा मेथड है जो टू पैरामीटराइज्ड है। तो यहाँ पर ये जो वन पैरामीटराइज मेथड वर्जन है, हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। सबस्ट्रिंग एक नॉन स्टैटिक मेथड है स्ट्रिंग क्लास का, यानी कि एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पर हम इसे कॉल करेंगे। और यहाँ पर हमें क्या पास करना है, बिगिन इंडेक्स, यानी कि सबस्ट्रिंग जो हम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कहाँ से करना है। अच्छा, और एंड कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली जो आपका टारगेट स्ट्रिंग है उसके एंड पर ये एंड होगा। क्या मतलब है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल के फॉर्म में इसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे आपको बताना है कि सबस्ट्रिंग हमें एक सबस्ट्रिंग वैल्यू, एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप देखो, मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया और इसमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर देते हैं। मोहन इज अ गुड सिंगर। और नाउ हमने यहाँ पर एक और स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट करना है और हमने कहा सबस्टार, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया, नाम कुछ भी हम रख सकते हैं सबस्टार, और हमने कहा ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर हमने सबस्ट्रिंग कॉल किया। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सबस्ट्रिंग जैसा कि मेथड डॉक्यूमेंटेशन में स्पेसिफाइड है वैसा ही हमें यूज़ करना है। यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट में क्या पास करना है, तो एक न्यूमरिक वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर लिखा सिक्स, ठीक है। तो सिक्स से बिगिन करके कहाँ तक लेके जाना है सबस्ट्रिंग को, एंड तक। तो मैं आपको बताता हूँ, इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, इंडेक्स 6 से स्टार्ट करो और एंड तक पूरा एक सबस्ट्रिंग क्रिएट करो और ये सबस्ट्रिंग वैल्यू, एक स्ट्रिंग वैल्यू आपको हम रिटर्न करेंगे। तो सबस्ट्रिंग बोलता है कि आपके टारगेट स्ट्रिंग में से मैं एक सबस्ट्रिंग आपको रिटर्न करूंगा, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हमने कहा बिगिन इंडेक्स सिक्स से स्टार्ट करके हम एंड तक जितना भी पार्ट है उसका एक सबस्ट्रिंग बनाएंगे और आपको रिटर्न करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो अनअफेक्टेड होगा, केवल इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में से हम एक सबस्ट्रिंग वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है इसे भी प्रिंट कर देता हूँ और साथ में जो हमारा सबस्ट्रिंग है वो भी हम प्रिंट कर देंगे, सबस्टार। तो दोनों स्ट्रिंग्स को हम यहाँ पर प्रिंट करके देखेंगे। बाय द वे, इंडेक्स 6 से अगर हम इसको सबस्ट्रिंग करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगा, इज़ अ गुड सिंगर। नाउ तो हम इसे ट्राई करने के लिए इस एग्जांपल को कंपाइल करते हैं। एक्स डॉट जावा को हमने कंपाइल किया। नाउ मैं इस एक्स क्लास को रन करता हूँ और मोहन इज़ अ गुड सिंगर, एंड उसके बाद जो हमने सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट किया था वो है इज़ अ गुड सिंगर, राइट। तो इसे आप डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर सबस्ट्रिंग का जो वर्जन देखा है उसे वापस हम ओपन करते हैं। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ सबस्ट्रिंग और हमें इसमें एक इंडेक्स पास करना है। नाउ मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और देखो यहाँ लिखा हुआ है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये क्या एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। अगर हमने जो बिगिन इंडेक्स सप्लाई किया है वो उसके रेंज के बियॉन्ड, यानी कि 0 से लेके लेंथ माइनस 1 के बियॉन्ड अगर कोई इंडेक्स आप पास करोगे तो क्या एक्सेप्शन जनरेट होगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इफ़ बिगिन इंडेक्स इज़ नेगेटिव और लार्जर दैन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ऐसे केस में ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा। इसे समझने के लिए मैं इसे जस्ट कमेंट कर देता हूँ, ये एक वैलिड वैल्यू हमने ट्राई किया, अब हम कुछ इनवैलिड ट्राई करके देखते हैं। तो अगर मान लो मैंने लिखा 0, फिर तो ये एक वैलिड इंडेक्स है, राइट, क्योंकि हमारा जो टारगेट स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है, 0, क्योंकि स्ट्रिंग का जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, नाउ अभी हम एक ये वैलिड हुआ, राइट, तो सबस्ट्रिंग वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर आखिरी तक का स्ट्रिंग, यानी कि सेम। मैं यहाँ पर इसे कंपाइल करता हूँ और हम इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं सेम स्ट्रिंग रिटर्न हुआ। नाउ स्ट्रिंग का लेंथ कितना है काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, तो इसका लेंथ है 22। अगर मान लो हमने आर्ग्यूमेंट में 22 पास किया तो क्या होगा, इसको हम ट्राई करते हैं 22, और मैं इसे कंपाइल करता हूँ। हमने कोड को कंपाइल किया है, नाउ हम इसको रन करके देखना चाहते हैं।
मोर इज अ गुड सिंगर नाउ, पर अब हम लोग जो रेंज है इसके बियॉन्ड जाएंगे, यानी कि ज़ीरो और लेंथ के बियॉन्ड. तो इसके लिए हमें एक ट्रायल करना होगा. हमने यहाँ पर सपोज कहा 23, तो ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया. नाउ तो अब यहाँ पर जनरेट होगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन. तो ये क्योंकि एक स्ट्रिंग है इसलिए स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन ये आपको एक्सपीरियंस होगा. आप देख सकते हैं स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन ये एक सब क्लास है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन का, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लास है इस प्रॉब्लम को शो करने के लिए. तो यहाँ पर लिख क्या रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज -1. तो यहाँ आपने देखा सब स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है, हम सब स्ट्रिंग वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब स्ट्रिंग का जो ओवरलोडेड वर्जन है, यानी कि जो टू पैरामीटराइज्ड वर्जन है, इसके बारे में बात करेंगे.